नमस्कार, स्वागत है आपका NH247 के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत सबसे अहम और महत्वपूर्ण खबर के साथ, जहां छत्तीसगढ़ में साई सरकार का पहला बजट सदन में पेश हुआ। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने बजट पेश किया और इस बजट में अमृतकाल का विजन साफ तौर पर दिखाई दिया। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन की छाप भी कहा गया। बजट को लेकर सरकार ने मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन टैगलाइन भी दी थी। ये माना गया कि बजट में युवाओं को रोजगार मुहैया कराने, कौशल विकास से जोड़ने पर खास तौर से फोकस भी रहा। ग्रेट सीजी की थीम पर बजट को रखा गया, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छ भारत के लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा गया, तो मनरेगा के लिए 2788 करोड़ का प्रावधान भी रखा गया। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के बजट में 70% की वृद्धि की गई। प्रशिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए 5 करोड़, खाद बीज भंडारण के लिए गोदाम निर्माण, वहीं कैलो सिंचाई परियोजना के लिए 100 करोड़ का प्रावधान रखा गया, तो नवीन सिंचाई परियोजना के लिए 300 करोड़। मत्स्य पालन को बढ़ावा भी दिया जाएगा, ये दावा किया गया। उद्यानिकी को बढ़ावा देने के लिए नवीन नर्सरी की स्थापना का भी जिक्र है। इको पार्क की स्थापना के लिए 5 करोड़ का प्रावधान है। वहीं कृषि शिक्षा को बढ़ावा देने और नए एग्रीकल्चर कॉलेज यानी कृषि से संबंधित महाविद्यालयों की स्थापना की जाने का भी इसमें जिक्र है। ब्याज अनुदान के लिए 317 करोड़ का प्रावधान, तो कृषि विभाग के बजट में 13,438 करोड़ का प्रावधान। श्री रामलला दर्शन योजना के लिए 35 करोड़ का प्रावधान रखा गया, तो वहीं छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना शुरू की जाएगी, इसका भी जिक्र है। पारदर्शिता के साथ पीएससी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि लगातार उस मामले में धांधली दिख रही थी, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे थे। उसमें अब ये कहा जा रहा है कि पीएससी परीक्षा का आयोजन में पूरी तरह से पारदर्शिता रखी जाएगी। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर योजना का ऐलान किया गया, तो जल जीवन मिशन में 4500 करोड़ रुपए का भी प्रावधान है। कृषि उन्नति योजना के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान। राम राज्य की अवधारणा पर काम होगा, यानी गुड गवर्नमेंस रिफॉर्म्स और सभी चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार समर्पित होकर काम करेगी, वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने ये कहा है। हमारी रग रग में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यानी राष्ट्रवाद हमारी रग रग में है और इसी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावनाओं को व्यक्त करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने जिस तरह से कहा था कि भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं है, ये जीता जागता राष्ट्र पुरुष है, ये वंदन की धरती है। तो छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन भी किया जाएगा, इस तरह की बातों का भी जिक्र इसमें किया गया है। करबो छत्तीसगढ़ का नारा, प्रधानमंत्री ने तो बदलबो और बदलबो का नारा दिया था, और अब ये नारा 3 करोड़ लोगों की मेहनत से विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में बदलने के लिए काम करेगा। ओपी चौधरी ने करबो छत्तीसगढ़ का नारा दिया है, यानी करके दिखाएंगे। अब हमारी रणनीति का 10वां पिलर, यानी कई पिलर में से बांटा गया है, 1 से लेकर 10 तक 10 पिलर का भी जिक्र है, जिसमें क्रियान्वयन का महत्व यानी कि इम्प्लीमेंटेशन का काफी महत्व रखा गया है। संस्कृत में श्लोक भी बोला वित्त मंत्री ने, और ये कहा कि कोई कितना भी बलशाली हो उसके मुख पर मृग स्वयं नहीं आ जाता, उसे अगर हिरण का शिकार करना है उसे मेहनत करनी ही होगी। तो बजट सत्र पर हम जिक्र कर रहे थे कि साई सरकार का पहला बजट आ चुका है, और इसमें हमारे साथ दो मेहमान अलग अलग जुड़ेंगे, हम उनसे चर्चाएं करेंगे। हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं सुरेंद्र शर्मा जी, हैं पूर्व अध्यक्ष है किसान कल्याण बोर्ड कांग्रेस से। बहुत बहुत स्वागत है सुरेंद्र जी आपका INH247 पर। और सुरेंद्र जी, जिस तरह से अगर हम समझे कि जैसे ही बजट आया, सदन में बजट पेश हुआ, तो बीजेपी ये कहने लगी ये तो जन कल्याणकारी है, बड़ी अच्छी प्लानिंग है, और पूरी दुनिया में देश की जो धाक बन रही है उसे देखते हुए उसका कंट्रीब्यूशन प्रदेश के इस बजट में भी साफ तौर पर दिखाई दे रहा है, ये कहा जा रहा है, किस तरह का निचोड़ देखते हैं आप इसमें? जी मुझसे पूछा आप? जी जी सुरेंद्र जी आपसे। अब देखिए, दरअसल में ये जो पूरा बजट है, अगर इसमें मैंने गौर किया है तो सबसे जो प्रमुख बात है जिसके संबंध में बजट उल्लेख कहीं करता नहीं है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में तमाम जो गैस सिलेंडर उपभोक्ता हैं, विशेषकर उज्ज्वला बहनों के लिए,
उनको 500 रुपए में सिलेंडर उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इस बजट में इसका कोई प्रावधान नहीं। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो धान खरीदी के लिए तो उन्होंने बजट में प्रावधान किया है, मगर इसके अलावा कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, कृषि के जो अधिक उन्नतशील बनाने के लिए दिशा में, चाहे वो मिलेट मिशन हो, चाहे दलहन के कार्यक्रम हो, चाहे तिलहन का कार्यक्रम हो, इसके दिशा में, इस विषय में भारतीय जनता पार्टी की जो प्रस्तुत जो बजट है ये कहीं कुछ कहती नहीं है। मेरे ख्याल से ये जो बजट है ये कृषक किसानों को, कृषि को हतोत्साहित करने वाला है। ये केवल हम पूर्ववर्ती सरकार ने इस बात को ध्यान दिया था कि दलहन के साथ तिलहन है, फलों की सब खेती है, सब्जियों की खेती है, मसालों की खेती है, इन सारे सारे दिशाओं में पूर्ववर्ती माननीय भूपेश बघेल की सरकार ने काम किया था और मिलेट की दिशा में हम काफी आगे बढ़े थे और देश में मिलेट ने छत्तीसगढ़ में नाम कमाया था। तो ये इन सारे चीजों का उल्लेख न करते हुए कुल मिला के अगर देखा जाए तो जो बजट का प्रावधान है केवल धान खरीदी के लिए किया गया है और एग्रीकल्चर में कोई बहुत बड़ी उपलब्धि की संभावना नहीं है। तो इस तरह से एक जो प्रमुख बात है कि छत्तीसगढ़ में जो बेरोजगारी की जो समस्या है, उन पढ़े लिखे बेरोजगारों को नौकरी देने की बात है या शिक्षा में शिक्षकों की भर्ती की बात है या महाविद्यालय में प्रोफेसर और लेक्चरर की भर्ती की बात है, इस संबंध में बजट कुल मिलाकर देखा जाए तो मौन है जी। इन्होंने इस बात का प्रयास जरूर किया है कि जो घोषणा पत्र है उसके अनुरूप को बजट को प्रस्तुत करें, मगर कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो विकसित भारत की या विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना जो करते हैं ये बजट उसको मजबूती देगी ऐसा मुझको नहीं जी लगता। सुरेंद्र जी ने अपनी प्रतिक्रिया दी इस बजट को लेकर। हमारे साथ इस विषय पर बातचीत करने के लिए रजनीश सिंह जी भी जुड़ गए हैं, पूर्व विधायक है भाजपा से। रजनीश जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है INH 247 पर। और सबसे पहले अगर हम जिक्र करें इस बजट की तो मोदी सरकार का बजट हमने देखा कि ज्ञान पर आधारित था, यानी गरीब, नारी, युवा, अन्नदाता। लेकिन इस बजट की अगर हम बात करें सीजी बजट की तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि ग्रेट सीजी, जैसे ब्रीफ केस वो देखा था उसके पीछे लिखा था ग्रेट सीजी, यानी कि गारंटी, रिफॉर्म, इकोनॉमिक ग्रोथ, अचीवमेंट, टेक्नोलॉजी और प्लानिंग। साथ ही साथ इस बात को अगर हम समझें तो कांग्रेस तो इससे कह रही है कि पूरी तरह से जीरो है इस बजट को, क्या कहेंगे आप? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री विष्णु देसाई जी, माननीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी और छत्तीसगढ़ के समस्त 3 करोड़ लोगों को बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। ये जो हमने कहा था चुनाव में कि हम ही बनाए हैं, हम ही संवारेंगे, उस विषय को पूर्ण करता हुआ ये बजट है। और जो प्रमुख रूप से 10 पिलर की बात इसमें कही गई है कि हम इन 10 पिलरों पर काम करेंगे। देखिए, अभी तक हम, मैं यदि पिछले 5 साल की बजट की बात करूं, माननीय शर्मा जी अभी बता रहे थे कि इसमें इस वर्ग के लिए बात नहीं किया गया है। लगभग 40-45 मिनट में बजट खत्म हो जाता था और जो विषय रहता था 500 करोड़ का काम करने की बात करते थे और 10 रुपया 1 रुपया टोकन मनी रखते थे। ये विस्तृत बजट है जिसमें विजन के साथ यदि हम प्रधानमंत्री आवास दे रहे हैं तो उसमें 3800 रुपया अनुपूरक में और अभी 8300 12000 से ज्यादा की राशि हम सब इसमें प्रावधान किए हैं। यदि नल जल योजना की बात करें 4500 करोड़ की है, तो चाहे स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, रोड हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो और सबसे बड़ी बात किसी राज्य का जो लोक कल्याणकारी बजट होता है उसमें देखा जाता है कि राजस्व व्यय क्या है। 20% ज्यादा पिछले बजट से राज्य सरकार का एवरेज निकाले तो 12% है। 22,000 करोड़ का राजस्व व्यय वाला बजट, 1,47,000 से ज्यादा बड़ा बजट, तो छत्तीसगढ़ के हर वर्ग को इसमें देखा, टच किया गया है। और आने वाले समय में देखिएगा कि जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि 2047 में हम विकसित भारत होंगे, शक्तिशाली भारत होंगे, तो छत्तीसगढ़ भी
2000 में जिसका भारतीय जनता पार्टी ने निर्माण किया था स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 47 साल की उम्र में छत्तीसगढ़ एक भारत के विकसित राज्यों में से एक होगा, विकसित राज्यों में से एक होगा। सुरेंद्र जी आपने सुना रेवेन्यू की बात की और स्टेट का रेवेन्यू काफी मैटर करता है किसी भी स्टेट के लिए। छत्तीसगढ़ स्टेट की बात करें तो 22% रेवेन्यू की बात हो रही है, यानी ओपी चौधरी ने इसका जिक्र भी किया कि रिसोर्सेज यानी 22% अगर हम बढ़ाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं तो विकास होगा, उसको गति मिलेगी। आपको क्यों लगता है कि यह आधारहीन है? नहीं, दरअसल देखिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि हर सरकार के अपनी विजन होता है, उसकी अपनी प्राथमिकताएं होती है। जैसे पूर्ववर्ती हमारी सरकार ने छत्तीसगढ़ी कल्चर को, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए काम किया, गौठान का काम किया और भूमिहीन मजदूरों को मजबूत करने की कोशिश की, गांव गरीब को एक ताकत देने का प्रयास किया, मगर वो प्रयास जो है ये इसमें दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें कुल मिला के देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का जो बजट है इसमें मैंने जैसे कहा कि कृषक कृषि को बहुत ज्यादा आने वाले समय में प्रगतिशील आप नहीं मान सकते। दरअसल में क्या है, आप एक चीज समझ लीजिए, छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है यहाँ लगभग लगभग 73% लोग खेती किसानी पर डिपेंड करते हैं और 5 साल जो छत्तीसगढ़ का उद्योग चला, व्यापार चला और यहाँ मंदी से हम बचा के रख सकते, उसके पीछे प्रमुख कारण ये था कि एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत काफी काम हुआ। तो अभी मैं जो देख रहा हूँ इसमें धान खरीदी के लिए तो प्रावधान इन्होंने किया है और मगर आगे जो है कि आगे कृषक किस दिशा में जाएंगे, कृषि हमारे उन्नति का बहुत आधारभूत केंद्र रहेगा कि नहीं रहेगा, और उसके अलावा जो प्रमुख रूप से रजनीश भाई ने उत्तर नहीं दिया कि गैस सिलेंडर देने की बात हुई थी, अभी तक के अनुपूरक बजट से लेके आज तक के जितने भी बजट प्रस्तुत हुए हैं उसमें गैस सिलेंडर सब्सिडी के संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। तो क्या इसमें ये वादा खिलाफी करने की दिशा में बढ़ रहे हैं या इनका क्या इरादा है, ये इसे साफ जाहिर होता नहीं। सिलेंडर की बातों का जिक्र करेंगे। सुरेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगी, कृषि का आपने अभी उठाया था मुद्दा, कृषि के लिए कुछ नहीं है इसमें। ओपी चौधरी ने साफ कहा है कि किसानों के लिए इस बजट में 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है और 3,716 करोड़ के लंबित बोनस की राशि किसानों को दी जा चुकी है, इसको किस रूप में देखते हैं? नहीं तो मैं बोल रहा हूँ ना, धान खरीदी के लिए ही आपको 12,000 करोड़ रुपए चाहिए। अगर आप महिला महतारी वंदन योजना के लिए को पूरा करना चाहेंगे 12,000 करोड़ रुपए उसके लिए चाहिए। 12,000 करोड़ रुपए आपको गैस सिलेंडर की सब्सिडी के लिए चाहिए, तो 36,000 करोड़ रुपया तो यही हो गया। तो ये दरअसल में इसमें जो प्रावधान उसका किया ही नहीं है। तो अगर 6,700 करोड़ का एग्रीकल्चर बजट है उसमें 12,000 करोड़ रुपया तो आपको लोगों को इनपुट सब्सिडी देना है, किसान समृद्धि योजना जो आपने नाम रखा है उसके आधार पे 12,000 करोड़ रुपया 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है और उसमें लगभग समझ लीजिए 1,000 रुपया प्रति क्विंटल का आपको अंतर की राशि देना है। 12,000 करोड़ रुपया तो उसकी की जी। रजनीश जी, आप आपका भी जवाब ले लेते हैं। रजनीश जी क्या बोलना चाहेंगे, कृषि पे ध्यान नहीं दिया गया? देखिए माननीय शर्मा जी जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, शर्मा जी अभी 2 महीने पहले इन्हीं बातों को लेकर छत्तीसगढ़ की जनता के पास गए थे और छत्तीसगढ़ जनता ने आपको जवाब दे दिया है। जिन जिन चीजों का आप जिक्र कर रहे हैं उन चीजों में नहीं जाना चाहूंगा। आपके वादा खिलाफी और लोगों को क्या बोल के सत्ता में आए और क्या बोले, और अभी हमारे से आप 2 महीना में एक एक चीज का पूछ रहे हैं, हम देंगे हिसाब, एक एक चीज का हिसाब देंगे हमने जो कहा है। आपने कहा कि किसानों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, 13,000 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान है। शर्मा जी आप किसी आपके 5 साल की किसी एक योजना का नाम बता दीजिए जिसमें सरकार ने 13,000 करोड़ का एक योजना में, क्या टोटल योजना में आपका कोई नहीं था? आप जो राजीव गांधी न्याय योजना के नाम पर देते थे कितना राशि देते थे, और जो आपने कैलकुलेशन बताया कि 10,000 करोड़ 12,000 करोड़ महतारी वंदन में लगेगा, 12,000 करोड़ गैस सब्सिडी में लगेगा, 12,000 करोड़ किसानों को जो अंतर की राशि देने में, उतना राशि नहीं लग रहा है। हम लोग उसको जोड़ घटा कर लिए हैं और एक एक चीज
आप मान के चलिए कि 500 रुपया में गैस सिलेंडर महतारी अपने बहनों को देंगे, 917 रुपया प्रति क्विंटल के दर से जो हमने रिकॉर्ड धान खरीदी की है जी। उनके लिए प्रावधान कर दिया गया है। महतारी वंदन योजना के अंतर्गत विवाहित जितने हमारी माता बहने हैं उनको 12,000 प्रति माह मिलेगा। 10,000 श्रमिकों के लिए बोले हैं, सब प्रावधानित है, आपके जैसे नहीं है। एक एक चीज 1.5 घंटे लगभग ये बजट प्रस्ताव पढ़ा गया है और एक एक चीज डिटेल से बोला गया है। 8,500 करोड़ का नल जल योजना में, 4,500 करोड़ पंचायत ग्रामीण के लिए। कुलाकर, इस योजना के बारे में बीजेपी पूरी तरह से कह रही है कि जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, पूरी तरह से मोदी सरकार की गारंटी और विष्णु का सुशासन दिख रहा है, तो वहीं कांग्रेस भी है ना, इसमें और जो बातों का जिक्र होना चाहिए था वो प्रावधान शामिल नहीं किए गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का बातचीत करने के लिए। तो बजट सत्र में हम जान रहे थे कि आखिरकार क्या है इस विकास से जोड़ने पर, किस तरह की फोकस इसमें रहने वाली है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाली केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं पर खासतौर से जोर दिया गया है, इन बातों का जिक्र है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, फॉरन लौटेंगे।